हेलो फ्रेंड्स, पधारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब एक पैन में 1/4 कप बारीक कटे बादाम और 3/4 कप बारीक कटे अखरोट डालकर मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए सेकना है, ताकि ड्राई फ्रूट्स से मॉइस्चर निकल जाए। मैंने ये वाली मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, आप चाहे तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। 500 ग्राम के इस पैकेट में 3 पीसेस आते हैं, जिसमें से मैंने 2 लिए हैं। अब इसके इस तरह से छोटे टुकड़े करने हैं। अब एक पतीले में 1.5 कप पानी डालकर इस तरह से एक बाउल रखकर इसमें चॉकलेट डालनी है। इस प्रोसेस को डबल बॉयलर मेथड कहते हैं। अब इसे इस तरह से मिलाना है। आप चाहें तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। देखिए, चॉकलेट मेल्ट हो रही है। अब इसे उलट पलट करते हुए लगातार मिलाना है। बच्चे ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, पर इस तरह से चॉकलेट बनाने पर चटपट ही चट कर जाएंगे। देखिए, चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इस तरह से कोई भी ट्रे या प्लेट लेकर इस पर इस तरह से फॉइल लगाना है। अब इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स करना है और इसे ट्रे में डालकर इस तरह से फैलाना है। मैंने इसमें आधा मिश्रण ही डाला है। अब एक फॉइल लेकर इस तरह से फैलाना है और एक चम्मच से चॉकलेट मिश्रण लेकर फॉइल पर इस तरह से डालना है। अब इन पर इस तरह से चॉकलेट स्प्रिंकल डालनी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चॉकलेट के सेमी सेट होने पर इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। चॉकलेट पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब इसे इस तरह से निकाल कर कट करना है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। ये भी अच्छे से सेट हो गई है, कितनी आसानी से निकल रही है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। चॉकलेट तैयार है। थैंक यू।